नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड, जो कि क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो थ्योरिटिकल है, जिसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ भी इसमें सॉल्व करना नहीं होता है। जो भी चीज़ है, अगर आपको चीज़ें याद है तो आप इस चैप्टर में आसानी से कोई भी MCQ अगर आता है तो आप इसे सॉल्व कर पाओगे। इस वीडियो में 10-11 क्वेश्चन जो है मैंने लिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो है वो पूछ लिए जाते हैं इनमें से, मतलब आप वीडियो को देख लो, एक बार देख लोगे चीज़ें याद रहेंगी। अगर जैसे ही अगर वो MCQ आ जाता है तो आप उसे आसानी से वहाँ टिक कर दोगे। एक एक करके हम देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, द वर्ड साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंटिया, मीनिंग मतलब कि साइंसिया वर्ड से निकला है साइंस, जिसका मतलब क्या है। साइंस का मतलब होता है ना, सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज़ को जानना, कि हम मतलब कि जिज्ञासा होना कि हम उस चीज़ को जानेंगे। अगर हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में अगर हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, पुली के बारे में पढ़ते हैं या फिर कुछ भी पढ़ते हैं हम, वो हम क्या सोचते हैं कि हम उसे बस जाने। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 2, नो, कि हम किसी चीज़ को जानना ही हमारा क्या होता है, साइंस होता है। अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर डील विद, कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फार्मूला किस चीज़ के साथ डील करता है। अब NCERT में अगर आपने पढ़ा होगा फिजिकल वर्ल्ड, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिनोमेना जो है ना वो क्वांटम मैकेनिक्स के साथ डील करता है। क्वांटम मैकेनिक्स पूरा का पूरा जो है 12th क्लास में है। आप लोग जो है 12th क्लास में जाओगे वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा बिल्कुल डिटेल में, आराम से वहाँ पर आप पढ़ना है। यहाँ पर अभी याद कर लो कि अगर हम एटम या फिर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं, उसके फिनोमेना को हम डील करते हैं, उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वेव पिक्चर ऑफ लाइट फेल्ड टू एक्सप्लेन, कि वेव पिक्चर ने हमें क्या क्या जो है नहीं बता पाया था। तो एक अगर आप 12th में जाओगे वहाँ पे आप पढ़ोगे, एक चैप्टर होगा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है कि एक लाइट डाली जाती है, जिसके बाद क्या होता है कि कुछ लाइट अंदर जाती है, कुछ लाइट जो है बाहर की तरफ जाती है। उस हिसाब से ना उन्होंने पोलराइजेशन ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इन तीनों चीज़ को तो वेव पिक्चर ने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव पिक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4th हमसे कहता है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय निकोलस द्वारा जो है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है प्रपोज्ड किया गया था, तो ये किस चीज़ के लिए था, ये कहाँ के लिए बिल्कुल एकदम ही फिट बैठ रहा था। तो इसका है, रिप्लेस्ड बाय सर्कुलर ऑर्बिट टू फिट द डाटा बेटर, रिप्लेस्ड बाय इलिप्टिकल ऑर्बिट टू फिट द डाटा बेटर, रिप्लेस बाय इलिप्टिकल ऑर्बिट टू फिट द टेस्ट ऑफ न्यू रूल्स ऑफ इटली, या फिर रिप्लेस्ड बाय पैराबोलिक ऑर्बिट टू फिट द डाटा बेटर। तो इसमें तो कुछ नहीं है, पैराबोलिक तो आने वाला नहीं है। इसमें आप 2 ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि इसमें भी इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसमें भी इलिप्टिकल ऑर्बिट है। मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो है आंसर ऐसे ही मिलते हैं, इसमें दोनों में इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो या तो आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में ही बताया जाएगा, और साथ ही साथ इन्होंने जो है बताया था ताकि हम डाटा को अच्छे से बेटर तरीके से हम कर सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट ए न्यू एक्सपेरिमेंट में सजेस्ट एन अल्टरनेटिव थ्योरेटिकल मॉडल, ए थ्योरेटिकल एडवांस में सजेस्ट किया गया था। व्हाट टू लुक फॉर ए सम एक्सपेरिमेंट विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट कैन बी कंसीडर्ड टू सपोर्ट देम, कि इसे जो है उन्होंने सपोर्ट किया था। 5वें का सिंपल आपको याद रखना है, बी एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन, जो पॉजिट्रॉन का था ना वो एक तरह से अल्टरनेटिव थ्योरेटिकल मॉडल जो है वो सजेस्ट किया गया था। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, द साइंटिफिक मेथड इज, कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम क्या करें कि हम साइंटिफिक तरीके से किसी भी चीज़ को करना चाहें तो वो आखिरकार क्या होता है कि हाँ भाई हम उसे अच्छे से साइंटिफिक तरीके से कर सकें। अगर आप यहाँ पर देखोगे, बॉडी ऑफ टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फिनोमिना एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, ए मेथड ऑफ प्रपोजिंग न्यू थ्योरीज, या फिर आपका ए प्रोसीजर फॉर प्रपोजिंग न्यू हाइपोथेसिस, द प्रिस्क्राइब्ड मेथड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग फिनोमिना एक्वायर्ड न्यू नॉलेज, जिससे कि हमें नई नई नॉलेज जो है आ सके। नहीं, इसका यही है, ए बॉडी ऑफ टेक्निक्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग फिनोमिना एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, कि हम इन्वेस्ट करें किसी भी फिनोमिना को और उससे हम क्या करें, नया नॉलेज हम ले पाएं। आप यहाँ पे देखोगे सी और ए में, यहाँ तक तो बिल्कुल चीज़ें सेम है,
ये देखिए इन्वेस्टिगेटिंग फिनोमिना, ये वाला और ये वाला तो पूरा सेम है, लेकिन ये है ए प्रिस्क्राइब्ड मेथड, लेकिन ये है ए बॉडी ऑफ टेक्निक। तो एक टेक्निक से हम किसी भी चीज़ को इन्वेस्ट करना और फिर मतलब इन्वेस्टिगेट करना और फिर नए नॉलेज को लाना, अगर नए नॉलेज को अपने अंदर लेना। तो ये हो जाएगा सिक्स का सी। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। ए साइंटिफिक थ्योरी, एक साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है? कि कोई भी थ्योरी है तो हम किसे कहेंगे कि वो एक जो है हमारी साइंटिफिक थ्योरी है? कैन नॉट बी चेंज बट कैन बी रिफॉर्मुलेटेड, नहीं। इज फिक्स्ड वंस फॉर ऑल बिकॉज इट इज लॉजिकल, इज चेंज टू सूट न्यू फैशन अमंग साइंटिस्ट, कैन बी रिवाइज इफ रिक्वायर्ड टू फिट न्यू फिनोमेना। हाँ, ये साइंटिफिक थ्योरी का मतलब हम कभी भी उसे रिवाइज कर सकें और उसमें हम नए नए जो डाटा को हम उसके अंदर एड ऑन कर सकें। तो सेवन्थ का तो सीधा आंसर हो जाएगा डी। फिर बढ़ते हैं एट्थ की तरफ। एट्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, फर्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में हम कौन सा पहला स्टेप क्या होगा कि हम जिस चीज़ों को करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर किसी ने पेंडुलम के बारे में भी बताया होगा, पेंडुलम के बारे में सब कुछ अभी हमें पता चल गया, उसका टाइम पीरियड किस तरह से रोटेट करता है सब कुछ पता है, लेकिन उसका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो है एट्थ का कि अपने दिमाग में क्वेश्चन लाना, जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे तो जब तक हमारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक हम उसे कैसे पता कर पाएंगे कि वो चीज़ अब आगे हम उसे कैसे फॉलो करें। तो कोई भी सबसे पहले क्वेश्चन, अगर न्यूटन के भी सिर पे जब क्या से एप्पल गिरा था तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि आखिर जो है ये जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा। तो सबसे पहले सिंपल है, आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल फाइनल स्टेप इन अप्लाइंग, कि साइंटिफिक मेथड अप्लाई करने में फाइनल स्टेप क्या होगा। जब हमारे पास क्वेश्चन भी आ गए, हमने उसे क्या कर लिया जी, अच्छी तरीके से हमने पता कर लिया, हमने पूरी अच्छी तरीके से बना लिया, उसकी पूरी थ्योरी को हमने बना ली, हमने अच्छे से सब कुछ को बिल्कुल फॉर्मुलेट कर दिया कि हाँ भाई क्या है, फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे लास्ट में उसे टेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ हमने जो भी अब तक काम किया, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया, हमने उस पर थ्योरी बनाई, हमने उस पर हाइपोथेसिस बनाए कि हाँ भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इसे हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन लास्ट में क्या होगा, असली काम आ जाएगा टेस्ट करना। कुछ भी चीज़ हो लास्ट में टेस्ट करना जरूरी है कि टेस्ट का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है कि हाँ भाई ठीक है, इन्होंने जो जो भी काम किया वो ओके है। तो साइंटिफिक मेथड का लास्ट स्टेप हो जाएगा एनालिसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर टेन है फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है, आप फिजिक्स पढ़ तो रहे हो लेकिन फिजिक्स क्या है? फिजिक्स कुछ भी नहीं है, एक तरह से नेचुरल साइंस है। जो भी हम नेचर में हम चीज़ों को जो देखते हैं वही फिजिक्स है। आप केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो या फिर आप फिजिक्स पढ़ो, जो भी चीज़ें जो भी हमें नेचर में जब दिखती है ना, तभी हम उसे क्या करते हैं, एक तरह से उसे हम जानने की कोशिश करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी कई सारे जब रिएक्शंस होते हैं, कि NaCl से टेस्ट जो आता है वो पूरा का पूरा जो है एक तरह से नेचर का ही काम करता है, कि जो भी हमें नेचर में दिखाई दे रहा है वही एक फिजिक्स है। अब आ गया न्यूटोनियन मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन। न्यूटोनियन के एक मैकेनिक्स दिया गया था, आप चैप्टर पढ़ोगे उसमें अच्छे से आपको पूरे अच्छे तरीके से बताया गया था कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स ने क्या क्या जो है एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इसमें है फॉल ऑफ बॉडीज ऑन अर्थ, ये कर दिया गया था। सम ऑफ मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ एटॉमिक फिनोमेना, एटम पर तो ये नहीं जा पाए थे। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, हाँ प्लैनेट भी कर दिया था, और फ्लाइट ऑफ रॉकेट ये भी कर दिया। हाँ तो ये हो गया सिंपल, 11 का हो जाएगा आपका बी। सम ऑफ द मोस्ट जो बेसिक फीचर होते हैं एटॉमिक फिनोमेना के, वो भी इन्होंने जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये 11 क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से पता है आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई है, चीज़ें समझ में आई है वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दो ताकि आपको और भी मैं अच्छे अच्छे MCQs प्रोवाइड करवा सकूं। साथ ही सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, उसमें भी जा करके आप वहाँ पे फॉलो कर लो ताकि आपकी जो आने वाले कोई भी वीडियो जो होता है उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले वहाँ मिल जाएगा।